महानुभाव शादर जैजनीन, कल धनतेरस के दिन हम अपने घर में क्या लाएं, क्या ना लाएं, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। कल धनतेरस है, 2 नवंबर है। धनतेरस के दिन हम अपने घर में क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, इस बातों पर हम विचार करेंगे। घर में सर्वप्रथम हम साल भर में जितनी भी झाड़ू रखती हैं वह ला सकते हैं, सोना चांदी के जेवर ला सकते हैं, घर में एक तावा बर्तन जरूर लाएं, पीतल कांसा ग्लट का बर्तन भी ला सकते हैं। और जो घर की खुशी होती है, गाड़ी वाहन ला सकते हैं, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। स्टील के बर्तन व लाइट का सामान, बांस से बनी वस्तु नहीं लाएं, यह हानिकारक हो सकती है, आपके काम में रुकावट भी ला सकती है। और उर्द को पीसकर आटा बनाएं, फिर उर्द आटा के दीपक बनाएं, मीठा तेल से जलाएं और उसको हम ब्रह्म स्थान में जो हम दीपक जलाते हैं वह दीपक हम ब्रह्म स्थान में रखें, ईशान कोण में, अग्नि कोण में, रसोई घर में, नैरत कोण में, वायव्य कोण में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, मेन गेट में, एक बीच में और 2 आजू बाजू रखें, और तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखें, और अपने घर में जितने भी गेट हों उस पर पीसी हुई हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक जब हम बनाते हैं ऐसे स्थान पर बनाएं जिससे उससे पैर ना आए। और हम देखते हैं जब हम घर में एक पोस्टर होता है जो चिपकाने के लिए लाते हैं सीनरी, उस सीनरी में ध्यान दें कि कोई ओम या स्वस्तिक या ह्रीम ना बना हुआ हो। जैसे कि हम चरण लाते हैं, चरण चिपकाते हैं, उन चरण में कोई स्वस्तिक ना हो, ओम ना हो या श्री ना हो, क्योंकि जब हम उसको गेट पर लगाते हैं तो हमारे पैर पड़ते हैं। इसलिए हमें ऐसी कोई भी वस्तु ना लाएं जिससे हमारे धर्म से बने हुए चिन्ह उन पर हमारे पैर आए। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। जय जिनेंद्र।